गुड मॉर्निंग बच्चों, देखिए मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आ गया। यह कहानी बहुत ही रोचक है, जब आप इसको सुनोगे तो आप हंस हंस करके गिर पड़ोगे। इस कहानी को ध्यान से सुनना और अगर कहानी अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। तो बच्चों, यह कहानी एक गौरैया और एक कौवा की है। एक कौवा और एक गौरैया बहुत गहरे दोस्त थे, दोनों में बड़ी दोस्ती थी। कौवा रोज जंगल से इधर उधर से अंडे ढूंढ करके लाया करता था और गौरैया को खिलाया करता था। इस तरह से दोनों में काफ़ी दिनों से दोस्ती चली आ रही थी। एक दिन संयोग बस गौरैया ने 3 अंडे दिए। कौवा ने जब गौरैया का अंडा देखा तो उसने सोचा कि क्यों ना हम मिल करके अब गौरैया का अंडा खाएं। वह गौरैया के पास गया और बोला, गौरैया बहन, हम तो तुम्हें बहुत दिनों से अंडे खिला रहे हैं और आज तुमने अंडे दिए हैं, तो तुम भी मुझे अपने अंडे खिलाओ ना। तो गौरैया कहते हैं, कौवा भैया, मेरे अंडे देखो, अभी बहुत छोटे छोटे हैं, इनको खाने से क्या होगा, ना तुम्हारा पेट भरेगा और ना ही मेरा पेट भरेगा। थोड़ा अंडे बड़े होने दो, जब ये अंडे बड़े हो जाएंगे तो मैं तुम्हें जो है खिलाऊंगी। इस तरह से करते करते जो है एक हफ्ते गुजर गए, कौवा से रहा ना गया। वह फिर एक बार गौरैया के पास गया और बोला, गौरैया बहन, अब तो आपके अंडे बड़े हो गए हैं, अब मुझे अपने अंडे खिलाओ ना। तो गौरैया कहते हैं, हाँ तुम्हें अंडे खिलाएंगे, तुम दिन भर अपनी चोंच इधर उधर गंदी जगहों पर मारते रहते हो, देखो तुम्हारी चोंच में गंदगी लगी है, जाओ तुम पहले अपनी चोंच धो करके आओ, फिर मैं तुम्हें अंडे खिलाऊंगी। कौवा सोच में पड़ गया। अब वो जो है जंगल में इधर उधर उड़ने लगा पानी की तलाश में। तो काफ़ी देर बाद उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। वह कुआं के पास गया और नीचे झांका तो पानी काफ़ी गहरा था। उसने एक कड़क आवाज़ में कुएं से कहा कि ए कुइल्ला, दे पनिल्ला, धोई टोटिल्ला, खाई अंडिल्ला, मिताई गौरैया ने दिए होने उतैया। तो कुआं ने कहा कि मैं तुम्हें पानी कैसे दूं, अगर तुम्हें पानी चाहिए तो जा करके एक गगरी ले आओ और पानी भर लो। कौवा सोच में पड़ गया। फिर वह जो है गगरी की तलाश में एक गांव में भटक रहा था, उड़ रहा था। उसने नीचे देखा तो एक कुम्हार दिखाई पड़ा। कुम्हार चाक के ऊपर गगरी बना रहा था। कौवा उस कुम्हार के पास गया और बोला, ए कुम्हार्रा, दे गगर्रा, भरी पनिल्ला, धोई टुटिल्ला, खाई अंडिल्ला, मिताई गौरैया ने दियो है नेवतैया। तो कुम्हार ने कहा कि देखो, अगर तुम्हें गगरी चाहिए तो तुम पहले मुझे ला करके मिट्टी दो, फिर मैं तुम्हारे लिए गगर बना देता हूँ। तो कौवा जो है जाता है मिट्टी के पास और मिट्टी के पास भी जा करके उसी कड़क आवाज़ में कहता है कि ए मटिल्ली, दे कुहर्रा, बनाओ गगर्रा, भरी पनिल्ला, धोई टुटिल्ला, खाई अंडिल्ला, मिताई गौरैया ने दिए हो नेवतैया। तो मिट्टी कहती है कि मैं तुमको मिट्टी कैसे दूँ, अगर तुम्हें मिट्टी चाहिए तो जाओ तुम हिरण की सींग ले आओ और मिट्टी खोद लो। फिर कौवा बड़े सोच में पड़ा। फिर वो भटकता हुआ उड़ता हुआ जंगल में पहुंचा। उसने एक हिरण की तलाश की। हिरण की सींग बड़ी नुकीली नुकीली सींग थी और उस हिरण के पास गया और उसने कहा, ए हिरणिया, दे सिंगिल्ला, खोदी मटिल्ला, दे कोहर्रा, बनाओ गगर्रा, भरी पनिल्ला, धोई टुटिल्ला, खाई अंडिल्ला, मिताई गौरैया ने दिए उन्हें उतैया। तो हिरण कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सींग दूँ, बहुत चालाक लगते हो, अगर तुम्हें सींग चाहिए तो आकर के तोड़ लो या फिर जाओ किसी कुत्ते को बुला लाओ, वो कुत्ता हमारी सींग तोड़ देगा और तुम ले जाओ हमारी सींग को। तो कौवा जो है जाता है कुत्ते के पास। कुत्ते के पास जाकर भी कहता कि ए कुतिल्ला, तोड़ सिंगिल्ला, खोदी मटिल्ला, दे कोहर्रा, बनाओ गगर्रा, भरी पनिल्ला, धोई टुटिल्ला, खाई अंडिल्ला, मिताई गौरैया ने दिए होने उतैया। तो कुत्ता कहता है, मैं तुम्हारे लिए चलो सींग तोड़ूँ, मेहनत करूँ, तुमने हमको कुछ खिलाया पिलाया है क्या, पहले अरे लाओ मुझे जो है गाय का दूध पिलाओ, मैं थोड़ा ताकतवर हो जाऊं तो फिर तुम्हारे लिए सींग तोड़ूंगा। तो फिर जो है कौवा जाता है और एक गाय के पास जाता है। देखता है कि गाय जो है चर रही है। गाय के पास जाके कहता है, ए गिल्ली,
दे दुधिल्ला पिए कुतिल्ला तोड़े सिंगिल्ला खुदी मटिल्ला दे कोहर्रा बनाओ गर्रा भारी पनिल्ला ढोई तुटिल्ला खाई अंडिल्ला मिताई गौरी यानी दिए होने तो ही है। तो गाय कहती है कि पहले मुझे तुम चारा खिलाओ, ऐसे में तुम्हें दूध देने वाली नहीं हूँ, पहले तुम मुझे ला के घास खिलाओ फिर मैं तुमको दूध दूंगी। फिर कौवा जाता है घास के पास और घास से भी वही कहता है कि ये घसिल्ला दे घसिल्ला खाए गिल्ला दे दुधिल्ला पिए कुतिल्ला तोड़ा सिंगिल्ला खोदी मटिल्ला दे कुंवर्रा बनाओ गर्रा भारी पनिल्ला धोई टुटिल्ला खाए अंडिल्ला मिताई गौरी यने दियो इन्हें उतैया। तो घास कहती है कि मैं तुम्हें कैसे घास दूँ, तुमको घास चाहिए तो जाओ किसी लुहार के पास से खुरपा ले आओ और ला करके घास छील लो और ले जाओ। तो कौवा फिर जो है लुहार की तलाश में उड़ पड़ा। काफ़ी देर उड़ते उड़ते जो है एक गाँव में पहुँचा और उसने देखा कि एक लुहार बैठा हुआ है, भट्टी जलाया हुआ है और भट्टी में जो है कुछ लोहे की चीज़ें डाल करके उसको पीट रहा है। कौवा जाता है लुहार के पास, बैठता है और कहता है कि ए लोहर्रा देख रुपल्ला छोली घसिल्ला दे गईल्ला खाए गईल्ला दे दुधिल्ला पिए कुतिल्ला तोड़े सिंगिल्ला खोदी मटिल्ला दे कुंवर्रा बनाओ गगर्रा भारी पनिल्ला धोई टुटिल्ला खाए इंटिल्ला मिताई गौरी ने दिए न तैया। तो लुहार कहता है आइए श्रीमान कौवा जी, आइए आपका स्वागत है, आइए पहले बैठिए, मैं आपके लिए कुछ जलपान की व्यवस्था करता हूँ फिर मैं आपके लिए खुरपा बना दूंगा। लुहार अंदर जाता है और कौवा के लिए नमकीन बिस्किट समोसा जलेबी पानी आदि ला करके कौवा को दे देता है। कौवा आराम से खाता हुआ बैठा रहता है। तभी लुहार कौवे से पूछता है कि कौवा भाई ये बताइए कि आपको कैसा खुरपा चाहिए, काला वाला खुरपा चाहिए या लाल वाला खुरपा चाहिए। तब कौवा कहता है तुम मूर्ख दिखाई पड़ते हो, काला वाला खुरपा कौन लेगा, अरे मुझे लाल लाल खुरपा दो, काला खुरपा क्या होगा, लाल वाला खुरपा मुझे बना के दो। तो लुहार कहता है ठीक है गुस्साइए मत कौवा भाई, बैठिए 5 मिनट मैं भी आपके लिए लाल खुरपा बना देता हूँ। और लुहार जो है खुरपे को भट्टी में डाल देता है और खुरपा पूरी तरह से तप्त लाल हो जाता है। उसके बाद लुहार कहता है कि कौवा भाई आपका खुरपा तैयार है, बताइए आप खुरपे को ले कैसे जाएंगे। तो कौवा कहता है कि तुम मूर्ख हो क्या, अरे तुम मुझे खुरपा ले आओ, मुझे मेरी चोंच में पकड़ा दो और मैं चोंच में ले करके जो है उड़ जाऊँगा। लुहार ने अपनी सरसी से खुरपे को जो है उठाया और कौवा ने अपनी चोंच फैलाई और लुहार ने खुरपे को उसकी चोंच में पकड़ा दिया। और जैसे ही कौवा उस लाल गर्म खुरपे को लेकर के उड़ा, उसकी चोंच जल गई और कौवा गिरा धड़ाम, मुंह से निकला हाय राम। इस प्रकार बच्चों गौरैया ने अपनी चालाकी से अपने अंडों की रक्षा कर ली और यहीं पर कहानी समाप्त होती है। अच्छा बच्चों अब मैं चलता हूँ आपके लिए नई कहानी की खोज में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।